5 सितंबर 2022 को थाना चिन्हट पे वादी रवि पांडे द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई। उस तहरीर पे उन्होंने बताया कि उनके चाचा वीरेंद्र कुमार का लड़का अमित पांडे उनके 4 साल के लड़के राम पांडे को लेकर कहीं चला गया है। इस पे मुकदमा दर्ज हुआ 363 IPC में और CCTV कैमरे वगैरह खंगाले गए, काफी पूछताछ की गई। सारी चीजों से पता चला कि अमित पांडे जो है राम पांडे को लेकर कानपुर पे गए और उन्होंने उसका वहां गला दबा के उसकी हत्या की और उसके बाद शव को जो है गंगा नदी में फेंक दिया। इसमें जो अरेस्टिंग हुई है 9 तारीख को हुई है और इसके अलावा जो पूछताछ हुई उससे निकल के आया है कि कुछ पारिवारिक ईर्ष्या की वजह से पैसे की कमी को लेकर उसने ये हत्या की है। बाकी इसमें और कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, SDRF की मदद ली जा रही है, शव अभी मिल नहीं पाया है और आवश्यक अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये दिनांक 7 तारीख को एक घटना यहाँ पर घटित हुई थी जिसमें कि पुलिस को ये सूचना मिली थी कि घैला पुल से पेट्रोल पंप की तरफ, जो घैला गांव से पेट्रोल पंप की तरफ जो सड़क जाती, गैस एजेंसी की सड़क जाती, वहाँ पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था जिस पर पुलिस मौके पर पहुँचती है और घटनास्थल का निरीक्षण किया जाता है। जो हमारी फील्ड यूनिट आती है, डॉग स्क्वाड आता है और इसके पश्चात जिन लोगों ने घटना कारित किया है उनकी तफ्तीश हम लोग करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये एक ब्लाइंड केस था और जिसमें जो मृतक था उसकी भी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। तो तत्काल हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यम से इसकी फ़ोटो सर्कुलेट किया। अगले दिन इस व्यक्ति की शिनाख्त होती है। शिनाख्त होने के बाद पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम अखिलेश वर्मा उर्फ सम्राट था और ये रहने वाला विकास नगर का था। जब इस बाबत में पता चलता है, इसके बाद इनकी माँ